बेहतरीन सदकाए जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जमाना है, अल्लाह का बंदा शोहर अल्लाह के रास्ते में चला गया, बीवी से कह के चला गया जब तक वापिस ना आऊ उस वक्त तुझे घर से जाने की इजाजत नहीं है। बच्ची कहने लगी ठीक अल्लाह के हवाले। जब शोहर अल्लाह के रास्ते में गया, शोहर अल्लाह के रास्ते में गया, उधर क्या पता लगा भाई दरवाजे पर आके खड़ा हो गया और आके कहने लगा ए बहन जल्दी कर बुर्का ओढ़ ले। अखे क्या बात है, अप्पा बीमार है, आखिरी सांसें चल रही है, नाम ले लेके तुझे पुकार रहा है। बहन की आंखों में आंसू आ गए, दी बेटी रोने लगी, कहने लगी शोहर मुझे इजाजत नहीं देके गया, अब मुझे बता अप्पा की तीमारदारी, अप्पा की तीमारदारी करो या मोहम्मद का दिया हुआ पर्दा बचाओ, या रहमत वाले नबी से पूछ ले, हुजूर इजाजत दे देंगे, अप्पा की इजाजत कर आऊंगी, अगर कमली वाले ने इजाजत ना दी तो मुसल्ले पे बैठ के दुआ करूंगी। कमली वाले के दरबार में भाई पहुंच गया, अप्पा बीमार है, शोहर बहन को इजाजत नहीं देके गया, आप इजाजत दे दो, बहन जाके अब्बा की तीमारदारी कर आए ताकि सोखे सांस मेरे बाप के निकल जाए। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, आपने फरमाया अगर अब्बा इजाजत नहीं देके गया तो मैं मोहम्मद के दरबार से भी इजाजत अहमदपुर शाह को क्या पूरी दुनिया के अंदर ऐसी मिसाल तुम्हें कहीं नजर न आवेगी। बाप बीमार है, बेटी शोक पे, घरवाली शोहर की इजाजत का इंतजार कर रही है कि अब्बा की शोहर की इजाजत के बगैर अब्बा की तीमारदारी नहीं करके आऊंगी। जल्दी गुजरे थे भाई दरवाजे पर आया, आके कहने लगा तू तीमारदारियों की इजाजतें लेती रहे, तू इयादत की इजाजत लेती रहे, अब्बा की बीमार पुरसी की इजाजत लेती रहे, अब किसकी बीमार पुरसी करेगी, अब्बा का इंतकाल हो गया, कफन में लिपटा पड़ा है, आजा अब्बा का दीदार कर ले। बहन की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी वही बात है जो मैंने तुझे पहले अर्ज की थी, शोहर से मैंने इजाजत ली थी, अब्बा अगर फौत हो जाए जाके बाप के घर में बाप का चेहरा देख के आ सकती हूँ कि नहीं। जब कमली वाले से जाके पूछा अगर हुजूर इजाजत देंगे तो अब्बा का चेहरा देखूंगी वरना यही मुसल्ले पे बैठ के दुआ करूंगी। कमली वाले ने फरमाया शोहर ने इजाजत नहीं दी, मैं मोहम्मद भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत नहीं दे सकता। बाप का जनाजा उठाया, बेटी के दरवाजे पे ला के रख दिया, भाई ने दरवाजा बजाया, ले दी बहन अब तो आ जा, तू अब्बे को देखने नहीं आई, अब्बा कंधे का सहारा लेके तुझे अपना चेहरा दिखाने आ गया। मेरे अजीजों बहन ने दरवाजा खोला, कुंडी खोली, आके अब्बा जान का चेहरा कफन से बाहर निकाला, माथे पे बोसा लिया, अब्बा के पैरों को आके पकड़ लिया, आसमान की तरफ देख के कहने लगी अल्लाह अब्बा का दीदार कुर्बान कर दिया, मोहम्मद का दिया हुआ पर्दा बचाया, अल्लाह तेरे नबी की शरीयत बचाई, इलाल आलमीन खामिद का हुक्म बचाया, अगर मैं खामिद के हुक्म का इनकार कर देती या अल्लाह पर्दे से बाहर आ जाती, कयामत के दिन फातिमा का सामना कैसे करती, कयामत के दिन सैयदा आयशा जवेरिया का सामना कैसे करती। अब्बा के पांव पकड़ के हिला रही थी, बार बार रो रही थी, आसमान की तरफ देख के कह रही थी अर्श वाले अगर तुझे मेरी ये अदा पसंद आ गई, अल्लाह अपनी औलाद के लिए नहीं मांगती, सुख चैन के लिए नहीं मांगती, अपने सुहाग के लिए नहीं मांगती, इलाल आलमीन आज अल्लाह इस पर्दे की बरकत से, अल्लाह इन अदाओं की बरकत से आज मेरे बाप की मगफिरत फरमा दे। लोगों ने जनाजा उठाया, वो थी बेटी रोती अंदर आ गई, मुसल्ले पर आकर बैठ गई, जब तक बाप को दफनाने का पता नहीं लग गया हाथ उठा उठा के दुआ करती रही। दो दिन के बाद मरने वाला किसी मोहल्ले वाले के ख्वाब में आया, मरने वाले से ख्वाब वाले ने पूछा बता तेरे साथ खबर में क्या बनी, कहने लगा और तो अमल का पता कोई नहीं, बेटी ने जो पैर पकड़ के दुआ की थी अल्लाह ने इसकी बरकत से मेरी मगफिरत सिला हमने गवाया, साहिल पे लगी बेड़ी को तूफान में उतार।